प्रिय साथियों नमस्कार, राजस्थान वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक नई वैकेंसी की अपडेट के साथ आपके सामने हम फिर हाजिर हुए हैं, लेकिन इस अपडेट को बताने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें और इसी के सब्सक्राइब बटन के पास वाले बेल आइकन पर प्रेस करके उसे दबा दें, जिससे कि आपको हमारी रेगुलर अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। अब हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए साथियों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है इमीडिएट, तुरंत, और यहाँ लिखा हुआ है पूर्व मध्य रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने ये नोटिफिकेशन के माध्यम से एक प्रेस प्रकाशनी प्रेस नोट रिलीज किया है। इसमें इसने बताया है कि इसमें लिखा हुआ है कि हाल ही में संसद द्वारा पारित 103वें संवैधानिक संशोधन के बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण के लाभ के साथ रेलवे में पहली बड़ी भर्ती अभियान के परिणाम स्वरूप 230,000 प्रत्यक्ष रोजगार के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन। भारत सरकार में आरक्षण के निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए भर्ती दो चरणों में आयोजित की जाएगी। चरण एक में 1,31,428 पद होंगे शामिल, जो फरवरी मार्च 2019 से शुरू होकर अप्रैल मई 2020 तक होंगे पूरा। चरण दो में 99,000 पद पर भर्तियां होंगी, जो मई जून 2020 से शुरू होकर जुलाई अगस्त 2021 तक पूरा होंगी। एसटीएससी और ओबीसी के लिए क्रमशः लगभग 34,000, 17,000 और 62,000 पद आरक्षित है। कहने का मतलब है एससी के लिए 34,000, एसटी के लिए 17,000, ओबीसी के लिए 62,000। इसके अलावा 103वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार इन रिक्तियों में से 10% यानी लगभग 23,000 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे। ये देखिए दोस्तों, अब आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ये नई दिल्ली 23 जनवरी 2019 को ये मतलब कोई एक न्यूज़ प्रकाशित हुई है, जिसका आपको यहाँ पर विवरण दिया जा रहा है। ये देखिए 14 महीने पहले शुरू की गई 1,51,548 कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया की तर्ज पर भारतीय रेलवे द्वारा के विभिन्न संवर्गों के लगभग 230,000 और कर्मचारियों के लिए नई नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा, जो 2 वर्षों में 2 चरणों में पूरी की जाएगी। ये देखिए साथियों, आप यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं, इस वीडियो को पुश करके आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ये देखिए इसमें सब बताया गया है कि कैसे और किस प्रकार, कितने कर्मचारियों के पद कहाँ कहाँ रिक्त हैं और कैसे उन्हें पूरा किया जाएगा और कब कब कैसे कैसे खाली भविष्य में होंगे। साथियों ये देखिए आप, आपको यह जानकारी हमने उपलब्ध कराई, इसलिए आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।